राजधानी रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव का राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस देश की आंखों में धूल झोंक रही है। एक तरफ मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के से गठबंधन करते हैं। इसी क्रम में नक्सलवाद मुद्दे को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि नक्सली गतिविधियों को लेकर लगातार रणनीति बन रही है, बस्तर में शांति को लेकर हर प्रकार से काम किया जा रहा है ताकि बस्तर में शांति आए। रायपुर से भुलेश मिश्रा की रिपोर्ट। किस प्रकार से देश के लोगों के आंखों में धूल झोंकना ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कर रहे हैं, ये इस बात से पता चलता है कि एक तरफ मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वही पार्टी है जिसके नेता उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि अफजल की फांसी के बारे में पूछा जाता तो मना कर देता। अफजल वही अफजल है जिसने हमारे देश के लोकतंत्र के मंदिर संसद पर हमला किया, देश के लोकतंत्र देश के मान सम्मान पर हमला किया, जहां देश भर के निर्वाचित जनप्रतिनिधि देश की नीति का निर्धारण करते हैं उन पर हमला किया। उस पर इनकी ये मानसिकता ये बताता है कि उमर अब्दुल्ला किस प्रकार अलगाववादी मानसिकता राष्ट्र विरोधी मानसिकता से ग्रसित हैं और उसी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी आज खड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी क्या आतंकवादियों के साथ खड़ी है, क्या कांग्रेस पार्टी अलगाववादियों के साथ खड़ी है, ये कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना पड़ेगा। ये मोहब्बत की दुकान कहकर देश के लोगों के आंखों में धूल झोंकना बंद करें।